ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आईपीएच वाटर गार्ड कर्मचारी संघ ने 12 साल बाद वाटर गार्ड को सीधे नियमित करने और पंचायतों के बजाय इस वर्ग को आईपीएच विभाग के अधीन करने की मांग की है। आईपीएच वाटर गार्ड कर्मचारी संघ ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज पठानी के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय धर्मशाला में रैली निकालकर जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति एवं चीफ इंजीनियर आईपीएच के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है और वाटर गार्डों को जल्द नियमित करने की मांग उठाई है। आईपीएच वाटर गार्ड कर्मचारी संघ ने 12 साल बाद वाटर गार्ड को सीधे नियमित करने और पंचायतों के बजाय इस वर्ग को आईपीएच विभाग के अधीन करने की मांग की है। आईपीएच वाटर गार्ड कर्मचारी संघ ने भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष देशराज पठाने के नेतृत्व में अपनी मांगों को लेकर जिला मुख्यालय धर्मशाला में रैली निकालकर जिलाधीश कांगड़ा राकेश कुमार प्रजापति व चीफ इंजीनियर आईपीएच के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा और वाटर गार्डों को जल्द नियमित करने की मांग उठाई। वाटर गार्ड कर्मचारी संघ ने चीफ इंजीनियर आईपीएच को ज्ञापन सौंपकर मांगों पर कार्यवाही करने के लिए 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है। संघ का कहना है कि 10 दिनों के भीतर वाटर गार्ड्स की मांगें पूरी ना की गई तो भूख हड़ताल शुरू की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेवारी आईपीएच विभाग और प्रदेश सरकार की होगी। इस अवसर पर प्रदेश भर में के वाटर गार्ड कर्मचारी उपस्थित रहे। वाटर गार्ड कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष जीवन कुमार का कहना है कि पूर्व सरकार ने इस वर्ग को आरएनपी रूल के तहत 12 साल बाद नियमित करने का कानून पास किया था, लेकिन इस वर्ग को 13 साल का समय बीतने के बाद भी इस वर्ग के कर्मियों को नियमित नहीं किया गया। यही नहीं, बार बार मांग करने के बावजूद इस वर्ग को पंचायत से निकालकर आईपीएच विभाग के अधीन नहीं किया गया है। क्या नाम है आपका और क्यों आज आप यहाँ पे इकट्ठे हुए? मेरा नाम जीवन कुमार है। क्यों आप, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है और क्यों आप यहाँ आए, क्या मांगे हैं आपकी? हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है वाटर गार्ड है, हम पंचायत के अधीन आईपीएच विभाग में पिछले 12-13 सालों से सेवाएं दे रहे हैं और आज दिन तक हमारे लिए कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। जो पिछली सरकार ने हमारे लिए पॉलिसी बनाई थी उसमें साफ जाहिर था कि हम 12 साल के बाद सीधे रेगुलर किए जाएंगे, परंतु आज दिन तक हमारी ना तो उस डिमांड को किसी भी सरकार ने ना सुना ना उसको अमली जमा पहनाया। इसके लिए हमारे वाटर गार्ड पता नहीं कितनी बार आईपीएच मिनिस्टर, सीएम साहब और पूरे प्रदेश के जो मंत्री हैं उनके पास गए हुए। हाल ही में 2-4 दिन पहले भी हमारे शिमला रोहू पूरे प्रदेश से वाटर गार्ड उनसे मिलने गए हुए थे, तो हमें उनके कार्य करने से ऐसा लग रहा था कि वो हमें एक बच्चों जैसा लॉलीपॉप सा दे रहे हैं। कभी आईपीएच मिनिस्टर बोल रहे हैं कि हमें सीएम के पास जाओ, सीएम बोल रहे हैं कि ये मामला मैंने पूरा क्लियर कर दिया, आप आईपीएच मिनिस्टर के पास जाओ। आईपीएच मिनिस्टर फिर बाद में बोलते हैं अधिकारियों से पूछो। जब अधिकारियों से पूछा, हमारे नए श्रीकांत वाल्दी जी आए हैं, तो उन्होंने हमें ये बताया कि आज तक तो आपका पूरा काम हो जाना चाहिए था, परंतु सरकार के इसी रवैये से हम नाराज़ हैं और आज हम धर्मशाला में ऐलान करते हैं और हम सरकार को 10 दिन का अल्टीमेटम देते हैं कि अगर हमें 10 दिनों के अंदर जो हमारे लिए रूल रेगुलेशन बनाए हैं, आरएनपी रूल बनाए हैं, जिनके तहत हम 12 साल के बाद सीधे रेगुलर होंगे, अगर वो 10 दिन के अंदर हमें उनके तहत हमें रेगुलर नहीं किया गया, नियमितीकरण नहीं दिया गया, तो पूरे प्रदेश में पूरे प्रदेश के वाटर गार्ड भूख हड़ताल पर बैठेंगे।